जय मा सरला जय गुरुदेव। नमस्कार दर्शक बंधु, आस्ट्रो पैराडाइज यूट्यूब चैनल को मुझे आस्ट्रो फ्रेंड डॉक्टर जगदानंद आचार्य आपण स्वागत करुच्छे। दर्शक बंधु, आज अध्याय आलोचना करिबा वास्तु रिलेटेड गोटे टॉपिक, वास्तु सिद्धांत अनुसार आम ठाकुर घर केमिति दरकार। ठाकुर घर जो भगवान फोटो चित्र मूर्ति आम रखुचे, क्यों ठाकुर मुख क्यों दिगक रहा दरकार, एमती बहुत कथा आलोचना करिबा। तो टॉपिक स्टार्ट करिबा पूर्व आपको निवेदन करी, शेष पर्यंत वीडियो को देखंतु। जदि आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करना प्रथम थर देखुचंती ताले सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल ऑप्शन को क्लिक करंतु, वीडियो को लाइक करिबे। आपणको मनरे टॉपिक को नै जदि किछि क्वेश्चन बा डाउट थाए मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखिबे। दर्शक बंधु, आउ देरी करिबानी, आसंतु आरंभ करिबा आजिर अध्याय। दर्शक बंधु, आम जितेबाला ठाकुर घर तैयारी करुचे, जदि आम वास्तु सिद्धांत हिसाब से ठाकुर घर या बनवा ताहले ताद्वारा कौन हम कि गृहस्वामी सकल अरिष्ट खंड नवा सहित सुख समृद्धि वृद्धि होता है। तेणु वास्तुशास्त्र हिसाब से आम ठाकुर घर रहा निहाती जरूरी। आपण ठाकुर घर यही भूल जदि आप करती निश्चित भाव आप बहुत समस्या सम्मुखीन हे। क्यों क्यों भूल आपणको ठाकुर घर करुचंती आज टॉपिक रे डिस्कशन करिबा। प्रथम कथा होची कि पूजा कक्ष केबे हेले आपणकर बेडरूम रे बा जे रूम रे आपण शयन करुचंती सोउचंती से रूम रे केबे भी भगवानकर फोटो चित्र बा ठाकुर रखंतु नाही। जदि आपणको पाखरे जागा नाही, स्थान नाही ठाकुरंकु रखिबा पई, आपण बाध्य आपणकर बेडरूम रे रखिबा पई, ताहले मन रखतु जो रूम रे आपण भगवान को रखिबे से रूम रे केबे भी विवाहित माने सोइबा अनुचित। जो माने अनमैरिड अछंती से माने से रूम रे सोई पारिबे। द्वितीय कथा होची कि जदि निहाती पूजा घरे सोइबा अनिवार्य होई पड़े तबे पूजा स्थान को बा आपण जोंटी ठाकुर रखितिबे तो ठाकुर को सामना रे गोटे स्क्रीन आपण लगे दियंतु। आपण जेतेबेले सोइबा को जिबे सोइबा पूर्वरो भगवान सामना रे जो स्क्रीन आपण लगे थिबे से स्क्रीन को बा परदा को आपण टाणी सोंतु। जदि आपण को पाखरे भरपूर मात्रा रे जगह अछि ठाकुर घर करिबा पई ताहाले आपण शयन कक्ष ठारु दूर रे पूजा घर करिबा आवश्यक। पूजा घर को सर्वदा शुद्ध पवित्र स्वच्छ रखा दरकार। कौन सी प्रकार अपवित्र द्रव्य पूजा घरे प्रवेश करिबा उचित नुहे। ईशान कोण मन रखत आपणकर ईशान्य कोण बा पूर्व एवं उत्तर कर्ण सदा सर्वदा से जगह को शुद्ध एवं पवित्र रखिबे जहाद्वारा कि आपण को शुभफल प्राप्त हो। पूजा घर निकटरे एवं आपणक घर ईशान कोण रे केबे भी झाड़ू डस्टबिन रखिबा ठीक नुहे। आपण पूजा घरे जो झाड़ू बा पोछा कोना व्यवहार करुथिबे से झाड़ू एवं पोछा कोना को अन्य कोनोसी जगह पई व्यवहार करिबे नाही। तो ठाकुर घर पई स्वतंत्र झाड़ू एवं पोछा कोना बा आवश्यक। सबुठ बड़ा कथा होची कि प्राचीन मंदिर रु अणा जाइथिबा कोनोसी मूर्ति आपण पूजा घरे स्थापन करिबा ठीक नुहे। मंदिर रे पूजा पाउथिबा मूर्ति को आपण केबे भी आनी आपणक ठाकुर घरे रखी पूजा करंतु नाही, यहा बहुत अपराध अटे। जेतेबेले आपण कोनोसी ओसा व्रत करुचंती जेतेबेले हवन करुचंती मन रखंतु आपणकर ठाकुर घरर स्पेस जदि बड़ थाए ताहाले आपण अग्नि कोण रे ही हवन करिवे। एबे सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा आसुची कि आपण पूजा घरर वाल रो कलर केमती करिबा दरकार। साधारणतः पूजा घरर कांथर रंग थला हल्का हलदिया बा हल्का नील रंगर देबा उचित। एबे सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होची आमे आम ठाकुर घरे जो भगवानकर फोटो बा मूर्ति स्थापन करुचे केउ भगवानकर केउ फोटोंकर मूर्ति केउ दिगकु रहबा दरकार। जदि आपण आपणकर पूजा घरे ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सूर्य कार्तिकेयंकर फोटो बा मूर्ति रखुचंती ताहले मन रखंतु सेमानंकर मुख पूर्व किंबा पश्चिम दिगकु रहिबा दरकार। जदि आपणक पूजा घरे भगवान गणेश कुबेर माता भगवती दुर्गांकर फोटो बा प्रतिमा रखिचंती ताहले तांको मुख दक्षिणकु रहिबा दरकार। जदि आपणकर पूजा घरे हनुमानकर फोटो चित्र रखिथांती ताहले हनुमानकर फोटो चित्र बा हनुमानकर मूर्तिंकर मुख
ସବୁବେଳେ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣକୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣ ଯଦି ଠାକୁର ଘରେ କୌଣସି ରାକ୍ର କରିଥାନ୍ତି ବା ଆଲମିରା ବନେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କେସ୍ ଚାଲୁଥାଏ, ସେ କେସ୍ର କାଗଜପତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ଥିବା ଆଲମିରାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ରାକ୍ରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ଲାଭ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘର ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘର ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ କେଉଁ ଦିଗକୁ ରହିଛି। ଆଶା କରିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍ ନେଇ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ମା ସରଳା, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।